एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वाली यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर बायोलॉजी चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एंड तक बने रहना, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक्स हैं मैं टिक करा देता हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक में टिक कर लो। और जितने टॉपिक्स बता रहे हो सिर्फ उतने ही करने की जरूरत है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपके टेक्स्ट बुक पे आ गए। टेक्स्ट बुक में देखो आपको कौन सा सा टॉपिक पढ़ने हैं। तो जो जो टॉपिक बताओ सिर्फ उनको करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे करना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है, फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन करना है, पढ़ना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन सारे दिए हुए, सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जिसके अंदर सबसे पहले ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के अंदर रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के है। तो जितने हैं अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद सर्कुलेशन इन एनिमल्स पढ़ना है आपको यहाँ पर। यहाँ पे देखिए सर्कुलेशन इन एनिमल पढ़ना है। हाँ यहाँ देख सर्कुलेशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर सारे पढ़ने हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जैसे कि ओपन सर्कुलेशन है, उसका ब्लड टाइप्स होते हैं, फिर क्लोज सर्कुलेशन होता है, फिर उसका सिंगल सर्कुलेशन, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आरबीसी पढ़ना है, रेड ब्लड कॉर्पस एरिथ्रोसाइट, और RWBC पढ़ना है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस लिकोसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे प्लेटलेट आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए प्लेटलेट पढ़ना है, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट पढ़ना है बस। तो उसके बाद डायरेक्टली हार्ट में आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ना है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पढ़ना है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में से कोई एक पूछ सकता है आपको, या तो एक्सटर्नल पूछेगा या तो इंटरनल पूछेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये सबसे है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, दोनों अच्छे से पढ़ लेना आप डायग्राम के साथ में। फिर लास्ट दो टॉपिक से आपको पढ़ने हैं, वो है ब्लड प्रेशर। यहाँ देखिए ब्लड प्रेशर पढ़ना है, जिसके अंदर सारे सब टॉपिक्स हैं अच्छे से पढ़ लेना। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे होता है, फिर हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एनियोग्राफी, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ना है आपको यहाँ पर इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बस। और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ऐसे जितने भी मैं टॉपिक पढ़ता हूँ सब उन्हीं को कर लो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो आपको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, मैंने सारे अच्छे से लिख के दे दिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, मैंने हर चैप्टर का जो है PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। ऑल चैप्टर्स फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी मैंने आज 8th चैप्टर तक कर दिया है अपलोड। और ये जो इस चैप्टर का जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन इन एनिमल्स, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में कौन कौन से पढ़ने हैं, RBC, रेड ब्लड कॉर्पस और व्हाइट ब्लड कॉर्पस और प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स, फिर हार्ट में दो टाइप्स पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ना है, उसका ब्लड प्रेशर पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ना है। बस इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको कर लेना। यहाँ पे देखिए राइट अ नोट ऑन ब्लड प्लाज्मा, इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है मैंने ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी, डिस्क्राइब वेल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग इन शॉर्ट, फिर डिस्क्राइब ह्यूमन ब्लड एंड गिव इट फंक्शन। फिर यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दी है जिनके बारे में आपको बताना है, जैसे कि श्रेयस वेंट टू अ गार्डन ऑन अ विंटरी मॉर्निंग, व्हेन ही केम बैक ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हैज स्टार्टेड वीजिंग, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कंडीशन, हाउ ही कैन बी ट्रीटेड, डिस्क्राइब ह्यूमन ब्लड, ये मैंने बताया, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, हाउ इज इट मेजर्ड, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। जितने भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ अच्छे से कर लेना। और ये जो क्वेश्चन है डायग्राम वाला,
फ्लो चार्ट का, इससे करके जाना। ये आप आपको लास्ट ईयर में आया था 12th के बोर्ड एग्जाम में मार्च 2022 में, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना इस फ्लो चार्ट को। नेम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन, इसे पढ़ लेना अक्टूबर 2021 में आया है। फिर स्केच द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, ये मार्च 2020 में आया है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। सेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, लेबल ऑल द वेल्व प्रेजेंट इन इट, मेंशन द फंक्शन ऑफ एनी वन वेल्व इन हार्ट विद अ नीट लेबल डायग्राम, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये मार्च 2022 में आया है। बस इतने ही क्वेश्चंस करने, जितने क्वेश्चंस बताओ, जितने टॉपिक्स बताओ, सब इनको अच्छे से कर लो, और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर से। मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, फिजिक्स कंप्लीट कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बायोलॉजी भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और मैथ्स के भी आपको जल्दी आपको सारे थ्योरम्स अपलोड कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा जान तो थोड़ा लेट हो रहा है, आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।